सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन कोडर। गाइस, पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वीडियोस इतनी लेट आ रही हैं, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर संडे को वीडियो अपलोड करूंगा। बट मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप मेरे साथ ट्यून्ड रहें, आप हर एक वीडियो को जैसे ही आती है वैसे ही देखें। ओके, सो आई प्रॉमिस यू कि हर ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को मेरी वीडियोज़ अब आएंगी। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 4 इज़ कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आप में से जो मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो बोलेंगे सेम ही नेम तो थर्ड चैप्टर का था, तो थोड़ा बहुत नेम तो था सेम, वो असाइनमेंट रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स था। यहाँ पे कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स था। तो रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स मैं फिर से क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में मैंने इतना मीन्स मैंने आपको सिर्फ बेसिक लेवल से करवाया। नाउ इन चैप्टर नंबर 4 आई विल टेक यू टू द एडवांस लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो फर्स्टली लेट अस सी व्हाट वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 3। इन चैप्टर नंबर 3 वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर? इन कंपैरिजन ऑपरेटर टू वेरिएबल्स आर बीइंग कंपेयर्ड, एंड इफ दे आर हैविंग इक्वल इंटीजर वैल्यू, दे आर हैविंग सेम इंटीजर वैल्यू, देन कंप्यूटर रिटर्न्स 1, एल्स इट रिटर्न्स 0। ओके, सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर, द राइट हैंड साइड प्लेस्ड इंटीजर वैल्यू इज बीइंग गिवन टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। मीन्स द इंटीजर विच इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड इज बींग सेंट टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। मल्टीपल असाइनमेंट्स यू स्टडीड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ऑब्वियसली इंक्रीमेंट ऑपरेटर, द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज इंक्रीज बाई 1। इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर इज डिक्रीज बाई 1। एंड इन लास्ट ऑब्वियसली टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, हाउ? बाई यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन। ओके, सो ये था चैप्टर नंबर 3। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में हमने स्टडी करना है सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट, मींस कंडीशनल इंस्ट्रक्शन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इफ एल्स में क्या होता है कि आपको कंडीशन दी जाती है। ठीक है, आपको बोला जाता है कि अगर इफ ये वाली चीज़ सही है तो ये वाली चीज़ कर दो, और एल्स दूसरी चीज़ कर दो। नहीं समझ में आ रहा? एक एग्जांपल देखो। बेटू हाँ जी मामा, मार्केट जाओ और आलू ले आना। 20 रुपए से ज़्यादा हुआ आलू का रेट, तो फिर अरबी ले आना 1 किलो। ठीक ठीक है। है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे मम्मा ने मेरी सिस्टर को बोला कि बेटा जा मार्केट से पोटैटो ले आ। इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इज लेस देन और इक्वल टू 20 रुपीज पर केजी, ओके, देन ओनली ब्रिंग पोटैटो, एल्स अदरवाइज ब्रिंग टैरो रूट। व्हाट शी सेड? शी सेड बेटा गो टू मार्केट, ब्रिंग 1 केजी पोटैटो ओनली ऑन वन कंडीशन, इफ इट्स प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 20, एंड इफ इट्स प्राइस इज ग्रेटर देन 20 देन ब्रिंग टैरो रूट। ठीक है, अरबी। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमें कुछ ऑर्डर मिले, कुछ इंस्ट्रक्शन मिले जो कि कुछ कंडीशंस के बेस पर चलेंगे। नाउ वी हैव गोट सम इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय सम कंडीशंस। ओके, सो आइए अपने कोड पे आते हैं। तो ये तो था कि मेरे मम्मा ने मेरी सिस्टर को भेजा, माई मदर सेंट माई सिस्टर टू द मार्केट। बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू सेंड योर कंप्यूटर? ओके, सपोज आई वॉन्ट टू सेंड माई कंप्यूटर टू द मार्केट सेइंग कंप्यूटर चचा ब्रिंग 1 केजी पोटैटो फॉर मी इफ इट्स प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 20। सो कंप्यूटर ये तो समझेगा नहीं, कंप्यूटर को हमें कोड से देना पड़ेगा। तो हम अभी वही कोड लिखने जा रहे हैं, तो अपने विजुअल कोड एडिटर में आ जाएं सब और करते हैं शुरू। सबसे पहले तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर से करते हैं। आई नो अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखना भी बोरिंग सा लग रहा होगा, बट यस, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखने की एक टेक्निक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, आपका एक वर्ड लिखते ही सारा बेसिक स्ट्रक्चर आ जाया करेगा। इस वीडियो में अभी ऐसे ही टाइप कर लो। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर, सो कंडीशन एक बार लिख लेते हैं। इफ प्राइस, इसको कमेंट में लिखना प्लीज, पता है ना क्यों? क्योंकि अभी तो हम समझ रहे हैं इसको कमेंट देने आपको आते हैं। डबल स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। इफ प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 20 देन ब्रिंग पोटैटो, एल्स ब्रिंग व्हाट? टैरो रूट, अरबी जिसको बोलते हैं।
तो सबसे पहले क्या हुआ, कंप्यूटर मार्केट गया, उसने सब्जी वाले से प्राइस पूछा। कंप्यूटर ने क्या बोला, अंकल टेल मी द प्राइस ऑफ पोटैटो। ठीक है, उसने वेजिटेबल सेलर को बोला एंटर द प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो। अब प्राइस कंप्यूटर के दिमाग में किस तरह जाएगा, यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन। ओके, परसेंटेज डी एम परसेंट प्राइस, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम परसेंट, इसको मत भूलना। और यहाँ पे बेहतर होगा अगर आप बैक स्लैश एन दे दो, इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आफ्टर दैट नाउ अब कंप्यूटर ने प्राइस ले लिया, अब हम चलाएंगे अपनी इफ इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट। इफ ध्यान से देखना, प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 20, ये वाला साइन अभी मैंने आपको बताना है। बस थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए आपको पता ही होगा कि इसको लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, इफ प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 20 देन प्रिंट एफ ब्रिंग 1 kg पोटैटो। कंप्यूटर समझ गया, उसने बोला कि इफ द प्राइस इज लेस देन 20 तो वो 1 kg पोटैटो ले आएगा, और अगर नहीं है एल्स, पता है ना आपको इफ और एल्स का मतलब, तो एल्स प्रिंट एफ ब्रिंग 1 kg टेरो रूट। ओके, सो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो मान लो पोटैटो का प्राइस है मेरा 18 रुपीज़, तो यस ब्रिंग 1 kg पोटैटो, कंप्यूटर 1 kg पोटैटो अपनी मम्मी के लिए ले आया। और एंटर द प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटो, अगर वो 22 रुपीज़ पर kg है तो वो टेरो रूट ले आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इफ और एल्स का स्टेटमेंट एक साथ कैसे, स्टेटमेंट का यूज एक साथ कैसे करा जाता है। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे इफ और एल्स साथ साथ चलते हैं, नहीं, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग चल सकते हैं। सपोज मैंने अकेला इफ लिखा, इसको मैं ऐसे करता हूँ कमेंट इन कर देता हूँ, तो सपोज सिर्फ अकेली इफ स्टेटमेंट चली। ठीक है, तो अब उसने पूछा अब मैंने बोल दिया 22 है प्राइस, तो देखो उसने एग्जिट कर दिया प्रोग्राम। ये वाला उसने नहीं पढ़ा, उसको एल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने बोला ठीक है मैं चले जाता हूँ। और अगर मैं इसको लिख देता हूँ 18, तो इफ वाली स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली चल पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा है, सो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट क्लिक एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सी, अब प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। सो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया इफ एल्स इफ, अब हम देखेंगे इफ एल्स इफ। अब इफ एल्स इफ कैसे काम करेगा, तो इसके लिए एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, इफ अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर सी। बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बहुत ढीठ आदमी हूँ मैं बार बार टाइप नहीं करता। सपोज किसी विलेज में वोटिंग हो रही है और विलेजर्स को मींस सर्कुलर दे दिया गया, उन्हें नोटिस दे दिया गया कि इफ योर एज इज लेस देन 18 देन यू कांट वोट, इफ योर एज इज 18 देन ऑल्सो यू कांट वोट। सपोज ऐसा है, एंड इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18 देन ओनली यू कैन वोट। तो इस कंडीशन को हम इफ एल्स इफ से चलाएंगे। हमने इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, इफ एल्स इफ नहीं पढ़ा। तो चलिए अब पहले इफ एल्स इफ देखते हैं। यहाँ पे हम पहले तो एज पूछेंगे ना बंदों की, इंट एज प्रिंट एफ एंटर द एज। ठीक है, देन स्कैन एफ एज, ऑब्वियसली इंटीजर होगी तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज टी एम परसेंट एज। ओके, नाउ इफ इफ एज इज लेस देन 18, ओके प्रिंट एफ पर्सन कांट वोट, एल्स इफ। अब देखो फिर से एल्स इफ, अभी हमने एल्स देखा, एल्स इफ नहीं देखा था। तो एल्स इफ एज इज इक्वल टू 18 करना है, पता है ना, इक्वल टू 18 करोगे तो वो 18 एज में ही चला जाएगा। आपने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है, यू विल नॉट यूज असाइनमेंट ऑपरेटर हेयर। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है,
कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा दे रखता हूँ। सो इफ एज इज 18, प्रिंट एफ, पर्सन कांट वोट, राइट? मेरे को ऊपर से ही कॉपी कर लेना चाहिए था, कांट वोट। एल्स, अब देखो इफ एल्स इफ के बाद मैं एल्स भी चला रहा हूँ, ठीक है? तो एल्स प्रिंट एफ, पर्सन कैन वोट, ओके? सेमी कोलन लगा दे, सेमी कोलन लगाना बोल रहे हो तो तुम्हें भैंस मारेगी। सो अब मैं एज डाल रहा हूँ, तो एज मान लो 17 है, पर्सन कांट वोट। एज 18 है, पर्सन अगेन कांट वोट। और अगर एज इससे ज़्यादा है तो पर्सन कैन वोट। सी, सो ये था हमारा इफ, इफ एल्स, इफ एल्स इफ। अब हम अपने नोट्स पे आते हैं। यहाँ पे मैंने सिंटेक्स भी दिया है, इफ कैसे लिखते हैं। इफ के अंदर कुछ कंडीशन आएगी, ठीक है? और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चल पड़ेगा। सी, इफ द कंडीशन हेयर इज ट्रू, ओके, इफ द कंडीशन इज हेयर इज ट्रू देन दिस कोड विल लर्न और रन। और अगर ये वाला कोड फॉल्स हो गया, गलत हो गया, तो ये वाला कोड चलेगा जो कि एल्स क्लोज के अंदर है, ठीक है? तो अभी हमारा इफ एल्स भी हो गया, अपने सिंटेक्स भी देख लिया। अब हम आ रहे हैं स्विच स्टेटमेंट पे। सो सपोज कुछ ऐसा सीन हुआ कि आपको आप किसी 5 स्टार होटल में गए, ठीक है? और आपको उन्होंने बोला, आप वहाँ से खाना वगैरह खा के निकले और आपको उन्होंने बोला कि प्लीज़ गिव रेटिंग। जब आप वहाँ से जाने लगे तो रेटिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5। आप 5 4 3 2 1 किसी में से भी कोई रेटिंग दोगे। सपोज आपने 5 दे दी, सो आपको क्या रिस्पॉन्स आएगा? इट मीन्स यू हैव एक्सीलेंट एक्सपीरियंस इन दिस 5 स्टार होटल। 4 आएगा, यू हैव ऑसम एक्सपीरियंस। 3 आएगा, यू हैव गुड एक्सपीरियंस। 2 आएगा, यू हैव बैड एक्सपीरियंस। 1 आएगा, 1 स्टार दोगे आप तो यू हैव वॉर्स एक्सपीरियंस। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं, ठीक है? ऐसे ही आपकी हाइट में होता है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है तो आपको बोला जाएगा यू आर ड्वार्फ। बहुत ज़्यादा लंबे हो तो आपको बोला जाएगा यू आर टॉल। तो यही हम अब स्विच स्टेटमेंट से देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। जैसे इसे नाम आप दे दो स्विच डॉट सी। बेसिक स्ट्रक्चर फिर से यहाँ छाप दो। अभी हमने ये सब तो देख लिया ना, अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। हाइट वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सो सपोज योर फर्स्टली व्हाट विल हैपन, समबडी विल आस्क योर हाइट। सो बना दो इंट हाइट, ओके? नाउ प्रिंट एफ, एंटर द हाइट ऑफ द पर्सन, बैक स्लैश एन ऑब्वियसली। अब स्कैन थ्रू स्कैन एफ। अब ये देख लो ना कि मतलब स्पीड फास्ट होनी चाहिए कोडिंग में। स्पीड फास्ट नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। जी, सब इसने हाइट ले ली। अब अगर हाइट उसकी है मान लो, अब हम ऐसे चलते ना, अगर हाइट है उसकी 6 तो उसे बोला जाएगा टॉल, ठीक है? अगर हाइट है उसकी 5 तो उसे बोला जाएगा एवरेज, ठीक है? और अगर हाइट उसकी 4 है, 4 फीट है, ये फीट में है, अगर उसकी हाइट 4 फुट है तो उसे बोला जाएगा कि यू आर ड्वार्फ। इसे कमेंट कर दो, यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी, ठीक है? तो स्विच, हम यहाँ पे अपनी स्विच स्टेटमेंट चलाएंगे और इसके अंदर हमें वो चीज़ लिखनी है जिसके थ्रू हम स्विच स्टेटमेंट को डील करेंगे। नहीं समझ आया, पता है मेरे को, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने डाला स्विच हाइट, ठीक है? हाइट हमने हम यहाँ से ले चुके होंगे, तो स्विच हाइट। अब यहाँ पे हम कुछ केसेस चलाएंगे। तो सबसे पहले चलेगा केस 4।
केस फोर, यहाँ पे फोर क्या है, फोर हाइट की वैल्यू है। अगर हाइट इज इक्वल टू फोर है तो ये फोर वाला केस चल पड़ेगा, ठीक है। अगर केस फोर रन हो रहा है तो प्रिंट एफ पर्सन इज क्या है, पर्सन, अगर उसकी हाइट 4 फुट है तो पर्सन इज ड्वार्फ। उसके बाद केस 5, प्रिंट एफ पर्सन इज एवरेज। और कंट्रोल डाउन करके मैं यही लाइन नीचे कर कॉपी कर लूँगा, और अगर उसकी हाइट 6 फुट है, इफ इफ इज हाइट इज 6 फुट देन पर्सन इज ऑब्वियसली टॉल। ओके, सो अब इसे रन करते हैं, और मान लो मैं अपनी हाइट डालता हूँ 5। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। चलाएं अभी से। सपोज मैं हाइट डाल रहा हूँ अपनी 4, तो ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एम परसेंट नहीं लगाया है, यहाँ पे एम परसेंट लगाना जरूरी है। तो हाइट 4, तो देखो पर्सन इज ड्वार्फ, पर्सन इज एवरेज, पर्सन इज टॉल, तीनों क्यों चल रहे हैं, जबकि सिर्फ केस 4 चलना चाहिए था, है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, जब जैसे ही हमने हाइट 4 डाली तो ये वाला केस रन हो गया। अब प्रोग्राम को पता थोड़ी है कि केस 4 के बाद केस 5 नहीं चलना है, केस 5 के बाद केस 6 नहीं चलना है, वो तो भाई सारे चल देगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि जब भी कोई केस चल जाए, जैसे ही मान लो ये वाला केस चल गया पहला वाला, तो स्विच स्टेटमेंट ब्रेक कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, हमारी स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। अब अगर मैं 4 डालता हूँ तो वहां पे रिस्पॉन्स आ जाएगा पर्सन इज ड्वार्फ, 6 डालता हूँ तो पर्सन इज टॉल, ठीक है। सो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। इसका देखते हैं कोड स्निपेट, अब सिंटेक्स जिसको बोलते हैं, तो ये कुछ इस तरह दिखता है। स्विच यहाँ पे लिखा जाता है और इसके अंदर एक्सप्रेशन, बस ये होता है कि एक्सप्रेशन जो है इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। आप चाहे मेरे नोट्स को प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, आपको हैंड रिटन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सिंपली अपने लैपी में भी देख सकते हो। सो एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर टाइप, ठीक है। ये फ्लॉट भी नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, कैर भी नहीं होना चाहिए। फिर ये होता है केस कॉन्स्टेंट वन, मतलब केस जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। मान लो एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 वाली वैल्यू चल देगी, अगर केस 4 लिखा होगा तो, ठीक है। फिर जो भी केस ट्रू होगा उसकी स्टेटमेंट चल पड़ेगी। ब्रेक लगाना आपने सीख लिया कि क्यों जरूरी है, ब्रेक नहीं लगाओगे तो सारे ही केसेस चल पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, व्हेन द ब्रेक इज रीच्ड देन द स्विच केस ऑटोमेटिकली डिस्क्लोजेस। जैसे ही ब्रेक पर आके हम पहुंच जाते हैं तो स्विच स्टेटमेंट वहीं आके मर जाता है, चुप हो जाता है, बंद हो जाता है, अदरवाइज ऑल केसेस वुड रन, ठीक है। सेम ही आप उसमें वो वोटिंग वाला भी ले सकते हो, इंट वोट यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर वोट की वैल्यू मीन्स उसकी एज अगर 18 से ऊपर है तो यू कैन वोट, ठीक है, कम है तो यू कैन नॉट वोट। ओके, सो अब हम देखेंगे कंपाउंड असाइनमेंट। ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का ही बाप लगता है। कंपाउंड असाइनमेंट में क्या होता है कि असल में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में देखा कि चीज वन एक से बढ़ रही है, चीज एक से कम हो रही है डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। बट क्या हो अगर हमने एक से बढ़ाने की जगह हमने 5 से बढ़ाना, हमने 10 से बढ़ाना है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। सो ये काम कैसे करेगी, प्लस प्लस आपने देख लिया एक नंबर बढ़ जाएगा, आई प्लस प्लस मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ कंपाउंड असाइनमेंट, इसका मैं क्या नाम देता हूँ, कंपाउंड डॉट सी दे देता हूँ, चलेगा ना। तो फिर से बेसिक स्ट्रक्चर डाल दो, प्लस प्लस हमने देखा, प्लस प्लस मतलब एक से बढ़ जाना, आई प्लस प्लस मतलब आई प्लस वन, ठीक है, आई प्लस प्लस का यही मतलब हुआ, ठीक है। और आई माइनस माइनस मतलब आई माइनस वन। लेकिन
क्या हो अगर हमने इसको 1 से बढ़ाने की जगह, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें 10 से बढ़ाना हो, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे i प्लस इक्वल टू 10, यानी i प्लस 10, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ i माइनस इक्वल टू 10, यानी i माइनस 10, ठीक है? तो सपोज अगर i की वैल्यू हमारे पास हो गई 5, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पे अब यहाँ पे तो 6 हुई पड़ी है, तो 6 में माइनस 1 कर दो, 5 हो जाएगी। अब यहाँ तक हमारी i की वैल्यू 5 है, तो 5 में 10 प्लस कर दो, 15 हो जाएगी। और अब फिर से 10 माइनस कर दो, तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस सारे को मैं कमेंट इन कर देता हूँ, और अब हम आते हैं अपने कोड पे कि इसको कोड में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? सो सिंपली सिंपली इंट आई इज इक्वल टू सपोज 10। नाउ प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटेज डी आई। यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि इस पॉइंट पे आई की वैल्यू क्या है। अब मैं एक चीज चलाऊंगा, क्या चीज चलाऊंगा, आई प्लस इक्वल टू 10, बस सिंपली ये लिखूंगा मैं, और कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है? इसको मैं अकेला चला लूंगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आई प्लस 10। अब आपके साथ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इस यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दो, 10, 0, 20 और 15, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे आके इस वाले फंक्शन के चलने के बाद द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटेज टी आई। बैक स्लैश लगा लो, नहीं तो ये और ये स्टेटमेंट इकट्ठे ही चल पड़नी है। सो देखो, पहले यहाँ पे 10 थी, अब जैसे ये वाला ऑपरेशन चल दिया हमने, यहाँ पे 20 होगी। क्यों? क्योंकि सी प्रोग्राम सीक्वेंस में चलता है, पहले वो लाइन 1 रीड करेगा, फिर 3, फिर 4 में जाएगा, फिर उसने देखा यहाँ तो कमेंट्स पड़े हैं मेरे मतलब के है नहीं, फिर वो 10th लाइन पे जाएगा, यहाँ पे इन टाइप इज इक्वल टू 10 पड़ेगा, फिर कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाएगा आई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आगे उस 10 में 10 और प्लस कर दिए, तो 20 आ गया। सो ये था हमारा कंपाउंड ऑपरेटर फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट ना। अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट वाला। तो फिर से आपको ऑप्शन देता हूँ कि इस बार आंसर क्या होगा, 10, 0, माइनस 10 और 20, देख लो 0, ठीक है? तो ये था हमारा कंपाउंड असाइनमेंट। अब हमारा इफ एल्स भी हो गया, स्विच भी हो गया, कंपाउंड असाइनमेंट भी हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि पिछले चैप्टर में भी इसका थोड़ा थोड़ा टेस्ट था। यहाँ से आप प्लीज नोट्स पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ आपको कंपाउंड असाइनमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या। देखो रिलेशनल ऑपरेटर, इस वर्ड में रिलेशनल से आप क्या समझते हो, रिलेशन मीन्स अ रिलेशनशिप, ओके? रिलेशन मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर सिंपली मीन्स दैट हेयर अ रिलेशनशिप विल बी डिफाइंड बिटवीन द टू ऑपरेटर्स, टू वैल्यूज, नॉट द ऑपरेटर्स, टू वैल्यूज विद सम पर्टिकुलर ऑपरेटर, बाय सम पर्टिकुलर ऑपरेटर। सपोज यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 5, और दूसरी दूसरी जगह लिखा हुआ 6। अब इनके बीच हम एक ऑपरेटर के थ्रू एक रिलेशन बना देते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 6। हालांकि ये ट्रू नहीं है, हालांकि ये ट्रू नहीं है, ठीक है? असल में क्या है, 5 इज लेस देन 6। तो ये दो वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन हमने डेवलप कर दिया एक ऑपरेटर की मदद से, ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर होते हैं, जैसे नंबर 1 ग्रेटर देन ऑपरेटर, ये आपको पता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ये भी आपको पता है, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ये भी आपको पता है, लेस देन ऑपरेटर, ये भी पता है। ये है इक्वल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, लेकिन असल में इसको इक्वल ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है? और ये है नॉट इक्वल ऑपरेटर, फाइन? तो ये हमने साथ अभी पढ़ ली। नॉट इक्वल टू कैसे दिया जाता है देखना, जैसे ना ये हमारा होता है इक्वल, ये हमारा है इक्वल। अब इसे नॉट इक्वल बनाने के लिए पीछे
ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दो, आपका नोट वाली चीज़ बन जाएगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही होता है, इस चीज़ को हम नोट ही बोलते हैं, इस चीज़ को हम नोट बोलते हैं। वही बात है ना, हम प्रोग्रामर्स के लिए ऐसे ऐसे सिंबल्स बहुत जरूरी है। स्कूल में हमें बोला जाता है कि इनका कहीं पे यूज़ नहीं होगा, बट हमें पता है इसका बहुत यूज़ होगा। जैसे सेमी कॉलन का कितना यूज़ होता है, कर्ली ब्रैकेट का कितना यूज़ होता है, तो हमें पता है इन चीज़ों का कितना यूज़ होता है, एक प्रोग्रामर को पता है। सो अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हम देख ही चुके हैं वही ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्यों ना मैं दोनों को साथ पढ़ा के, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को साथ पढ़ा के, देन आई विल गिव यू वन एग्जांपल व्हिच एक्सप्लेन्स बोथ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो आते हैं अब लॉजिकल ऑपरेटर पे। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से समझना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये होता है एंड ऑपरेटर, जिसमें आपको डबल एंड जैसा कुछ दिख रहा है, दिस वन इज एंड ऑपरेटर। जिसमें आपको ये दिख रहा है उसको बोलते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। और इसको तो आपको मैंने अभी बता ही दिया, नॉट ऑपरेटर। ओके, इसको मैं आपको एक टेबल से समझाना चाहूँगा, टेबल से आपको बढ़िया समझ में आएगा। एंड क्या करता है, एंड बोलता है साथ चलो, एंड क्या बोलता है साथ चलो, अगर साथ नहीं चलना तो तुम जीरो रह जाओगे। सुन ये बात मेरी याद रखना, एंड क्या बोलेगा, साथ चलो, साथ नहीं चलोगे तो तुम जीरो रह लोगे। मान लो एक चल रहा है वन, एक चल रहा है जीरो, ठीक है, तो दोनों आउटपुट हमें जीरो देंगे। मतलब कि एक इंटेलिजेंट बंदा चल रहा है और एक नलायक बंदा चल रहा है, तो एंड ऑपरेटर बोलेगा कि तुम्हारा रिजल्ट जीरो आएगा। अगर एक नलायक चल रहा है, एक इंटेलिजेंट बोल रहा है, तो भी बोलेगा तुम्हारा रिजल्ट जीरो आएगा। दोनों ही डफर चल रहे, दोनों नलायक चल रहे, तो भी तुम्हारा रिजल्ट जीरो आएगा। और अगर दोनों ही इंटेलिजेंट है तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा, मीन्स यू विल बी सक्सेसफुल। जीरो मीन्स तुम जीरो रह जाओगे, जीरो रह जाओगे, जीरो रह जाओगे। यहाँ पे जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। सो यही मैंने एंड ऑपरेटर में बताया है। जीरो एंड जीरो की आउटपुट जीरो आती है, जीरो एंड वन की आउटपुट भी जीरो आती है, वन और जीरो की आउटपुट भी जीरो आती है, वन और वन की आउटपुट वन आती है, ठीक है। और इसके बाद आता है और ऑपरेटर। पहले मैं आपको एंड ऑपरेटर के थ्रू एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर उसके हम चलते हैं और ऑपरेटर पे। ठीक है, तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, जब कोई चीज ट्रू होगी तो वो हमें क्या रिटर्न करेगी, वन, फॉल्स होगी तो जीरो। ये वन और जीरो वही है। तो अब हम आते हैं अपने एक ट्राइंगल वाले एग्जाम्पल पे। ट्राइंगल का एग्जाम्पल लेके चलाता हूँ मैं आपको, ट्राइंगल, उसका नाम ही हम ट्राइंगल डॉट सी दे दें तो हमारा क्या जा रहा है। वैसे भी मेरा आप क्या ही कर लोगे, यहाँ पे बैठे बैठे है ना, जो मर्जी नाम दो कर लो, जो करना। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए आप कंट्रोल एफ भी कर सकते हो। सो सपोज एक ट्राइंगल है, उसमें हमने तीनों साइड्स की वैल्यू भरनी है और हमने बताना है कि क्या वो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल, क्या वो स्केलिन है मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, या वो आइसोसेलेस है मतलब दो साइड्स इक्वल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों साइड्स की डायमेंशन, तीनों साइड्स की लेंथ मांगेंगे। तो इंट साइड वन, साइड टू, साइड थ्री। नाउ हर एक साइड हम मांगेंगे प्रिंट एफ, एंटर द लेंथ ऑफ, एंटर द लेंथ ऑफ साइड वन, यहाँ से साइड वन मांग लो, स्कैन एफ लगा लेना जरूर से, परसेंटेज की आप ऑब्वियसली इंटीजर ही बनने जा रहे हो, एम परसेंट साइड वन। इसी को अब हमने साइड टू और थ्री भी मांगनी है, तो साइड टू और यहाँ पे साइड थ्री, तो अभी हमसे यहाँ पे ट्राइंगल की तीनों साइड्स मांग लेगा, ठीक है। अब हम कंडीशन चलाएंगे इफ, यहाँ अब यहाँ पे हमारा इफ का भी यूज हो जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर का भी हो जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर का भी हो जाएगा, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो इफ इफ साइड वन इज इक्वल टू साइड टू, ओके,
एंड साइड टू इज इक्वल टू साइड थ्री। क्या मैंने बोला, अगर साइड वन साइड टू के इक्वल है और साइड टू साइड थ्री के इक्वल है, मतलब दोनों ही तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है ना, देन मतलब कि अगर देखो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो साइड वन हमने यूजर को दे दी 4 कंप्यूटर को, साइड टू हमने दे दी यूजर को 6, और साइड थ्री हमने दे दी फिर से 4। ठीक है, तो क्या होगा, पहले साइड वन और साइड टू ये कितना है 4, ये कितना है 2 सॉरी 6, तो 4 और 6 तो इक्वल नहीं है, तो ये हमें 0 रिटर्न करेंगे। ये हमें क्या रिटर्न करेंगे, 0। ठीक है, यहाँ से हमें 0 आएगा, और साइड टू क्या है 6, साइड थ्री क्या है 4, यहाँ से भी हमें 0 आएगा। तो 0 और 0 का एंड लगा के आपको क्या मिलता है, 0, यानी कि ये वाली इफ वाली कंडीशन फिर नहीं चलेगी। इफ के अंदर 0 आ गया तो वो नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर साइड वन भी 4 है, साइड टू भी 4 है, साइड थ्री भी 4 है, तो इस बार क्या करेंगे हम, सोचो सोचो। इस बार हम फिर से ये इज इक्वल टू ये इसका रिजल्ट वन, ये इज इक्वल टू ये इसका रिजल्ट वन, तो वन एंड वन का आउटपुट क्या आता है, वन, तो ये वाला रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कंडीशन चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रिंट एफ। अगली वाली कंडीशन ट्रू होगी तो द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, अपनी एल्स स्टेटमेंट चला देंगे ना, नॉट अ बिग डील। एल्स चला के, एल्स में आपको ना ये सेमी कोलन लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कोई यहाँ पे सॉरी सेमी कोलन नहीं कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। प्रिंट एफ ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटर, इक्विलेटर कहीं पे स्पेलिंग्स में गलती हो तो प्लीज माफ कर देना, है ना, कहीं पे मैंने एरर कर दिया, सेमी कोलन नहीं लगाया। ओके, एंटर द लेंथ ऑफ साइड वन, मतलब साइड वन की लेंथ टू थी, साइड टू की लेंथ ट्रू है और इसकी 6 है, तो ये इक्वलेटरल नहीं है। तो ये पहले वाला सीन चल पड़ा जो मैंने आपको पेन के थ्रू दिखाया था। अब हम चलते हैं इक्वल वाला सीन, 4 4 4 ट्राइंगल इज इक्वलेटरल। ठीक है जी, अब एक बार मैं आपको इक्वलेटर वाला सीन दोबारा समझा देता हूँ। मेरा पेन कहाँ गायब हो गया, आ जा आ जा आ जा, नहीं आ रहा, छोड़ो। तो अगर ये भी इक्वल है, ठीक है ना, ये भी इक्वल है तो इसका रिजल्ट वन, ये भी इक्वल है इसका भी रिजल्ट वन, वन एंड वन वन, ये वाली कंडीशन चल जाएगी, नहीं चली तो ये वाली चल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था यूज किसका, एंड ऑपरेटर का। अब हम देखेंगे और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है ना, जैसे मान लो 0 और 0 है, और ऑपरेटर बोलता है कोई एक भी इंटेलिजेंट है तो आउटपुट ठीक निकलेगी, तो आप फेल नहीं हो गया, पास हो जाओगे अगर आप दोनों में से कोई एक भी इंटेलिजेंट है। तो देखो यहाँ पे दोनों नालायक है, 0 0 तो रिजल्ट भी 0 आया, ए नालायक है बी लायक है, रिजल्ट 1 आ गया, रिजल्ट ठीक आ गया, पास हो गया, मतलब ए 0 B 1 तो 1, ए 1 B 0 तो भी 1, और दोनों इंटेलिजेंट है तो भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो एंड और में ये डिफरेंस है। अब हम और की एप्लीकेशन अब यहीं से देखते हैं, कैसे देखेंगे, इसको इफ स्टेटमेंट को ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम चलाते हैं एल्स इफ। अब हम चलेंगे कौन सा, स्केलिन वाला सीन, आइसोसेलेस वाला। तो एल्स इफ एल्स इफ इसके अंदर कंडीशन लिख दो, अगर साइड वन इज इक्वल टू साइड टू है, और या फिर है ना, और कैसे, मैंने आपको बताया दो सीधी डंडियां लगा दो,
देसी लैंग्वेज में. सो इफ साइड वन इज इक्वल टू साइड टू और साइड टू इज इक्वल टू साइड थ्री और साइड थ्री इज इक्वल टू साइड वन. ठीक है, तो देन प्रिंट एफ ट्राइंगल इज आइसो सेलेस. क्या यहां पे बोला कि अगर साइड वन इक्वल टू साइड टू आ जाती है, मान लो आ जाती है, मान लो ठीक है, अगर साइड वन इक्वल टू साइड टू आ जाती है, यानी अगर ये भी वन है ये भी वन है तो दोनों का ये वन आएगा. ठीक है, और क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी थोड़ी सी गलती होगी. अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये भी फोर है ये भी फोर है, तो यहाँ से हमारा वन निकल के आ जाएगा क्योंकि इक्वल है, और ये फोर है ये टू है, यहाँ से हमारा जीरो निकल के आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से भी मान लो कुछ ऐसे आ गया थ्री और फोर आ गए, तो यहाँ से भी जीरो निकल के आ गया. ठीक है, तो और क्या बोलता है, और बोलता है कोई एक इंटेलिजेंट होना चाहिए. तो देखो एक इंटेलिजेंट है, बाकी दो भले नॉट इंटेलिजेंट हो, तो ये वाली कंडीशन चल पड़ेगी. अगर मान लो तीनों ही जीरो होते, ये भी जीरो होता है ये भी जीरो होता है ये भी जीरो होता है, तो ये नहीं चलती. ठीक है, यही चीज आपको समझने की जरूरत है. एंड बोलता है दोनों ही ट्रू होने चाहिए, और बोलता है तीनों में से कोई एक ट्रू कर दो, चाहे दोनों में से कोई एक ट्रू कर दो, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलस आ जाएगा. तो अब हम इसे भी रन करके देखते हैं. हम इस बार से दो साइड्स इक्वल लिखेंगे, एक होगी टू एक होगी फोर और एक फिर से टू होगी, तो ट्राइंगल इज आइसोसेलस. अब हम लास्ट वाली चलते हैं, कौन सी, स्केलिन वाली. तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया ठीक नहीं हुआ, मतलब तीनों इक्वल नहीं है, कोई दो भी इक्वल नहीं है, तो मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, तो सीधा यहाँ पे हम एक छोटा सा एल्स देंगे और प्रिंट एफ लगा के, तेरा कुछ नहीं हो सकता बाबा, ये थोड़ी लिखना है, ट्राइंगल इज स्केलिन. ठीक है, अब इस बार तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होते हैं, फोर एट सेवन, ट्राइंगल इज स्केलिन. अब हमने अपना समझ लिया, और ऑपरेटर भी, नॉट ऑपरेटर क्या होता है, अगर मान लो रिजल्ट वन है तो ये जीरो कर देगा. ठीक है, रिजल्ट अगर वन है तो नॉट ऑपरेटर हमें उसको वो जीरो करके दे देगा. इसके बाद हम देखेंगे अपना टर्नरी ऑपरेटर. तो टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल मतलब इफ एल्स इफ की एक शॉर्ट फॉर्म है. मतलब आप ये समझ लो, इफ एल्स इफ जो है वो एक ऐसा बंदा पढ़ रहा है जिसकी आंखें कान सब ठीक है, मींस वो वर्ड्स को देख ले रहा है, और टर्नरी ऑपरेटर वो पढ़ेगा जिसके आंख कान कुछ ठीक नहीं है, वो साइंस को पढ़ेगा. साइंस मतलब कि साइन, साइंस वाली साइंस नहीं, साइन, साइन लैंग्वेज जिसे आप बोलते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टेटमेंट वन क्या करता है, स्टेटमेंट वन यहाँ पे है क्या, और स्टेटमेंट टू क्या, और स्टेटमेंट थ्री क्या, ये आपको थोड़ा सा पहले दिक्कत आएगी, इस चीज को मैं अभी सही से बताता हूँ आपको. अगर यहाँ पे स्टेटमेंट वन ट्रू होगी, देखो उसने तभी तो क्वेश्चन मार्क लगाया, इफ स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ठीक है, देन एग्जीक्यूट इवेल्युएट आउटपुट स्टेटमेंट टू एल्स स्टेटमेंट थ्री. मतलब ये कंडीशन है, ये इफ के अंदर लिखी हुई चीज है और ये एल्स के अंदर लिखी हुई चीज है. अगर स्टेटमेंट वन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट कर दो, एल्स ये प्रिंट कर दो, इतनी सी चीज है. ठीक है, तो करते हैं शुरू, आते हैं अपने, इसको नाम देते हैं हम टर्न ऑफ, टर्न ऑफ डॉट सी, टर्नरी ऑपरेटर डॉट सी ना. फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया करो यार रैंडम में, ये देखो यहाँ पर भी कितना गंदा सा लग रहा है, इसको भी फॉर्मेट कर दिया, इसको भी मैं फॉर्मेट करे तो 17 लाइनें कितनी रह जाएंगी,
चलो यहाँ पे तो इतनी रही, ये सभी तो हम शायद ये कुछ 23 होगी, 22 की 23 होगी, मतलब प्रोग्राम अच्छा हो गया, थोड़ा मॉडिफाई हो गया। टर्नरी ऑपरेटर में सपोज मैंने एक दिया इंट एक्स इज इक्वल टू 10 और अगला मैंने दे दिया इंट वाई, ठीक है, तो हम बोलेंगे वाई को आप कर दो, वाई को आप एक वैल्यू दे दो, अगर एक्स ग्रेटर अगर एक्स लेस देन 9 है तो 100 दे दो वाई को, एल्स 200 दे दो, मतलब कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 9 देन गिव 100 टू वाई, एल्स गिव 200। ये वाला मेथड कहीं पे यूज नहीं होता, इसको थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, कहीं पे यूज नहीं होता ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे वाई को कोई वैल्यू चलेगी होगी, वैसे तो एक्स लेस देन 9 है नहीं तो 200 ही जाएगी ऑब्वियसली, तो प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ वाई इस परसेंटेज टी बाय। इसको 200 मिल गया बबुआ। तो अब यहाँ पे हमारा टर्नरी ऑपरेटर भी खत्म हो जाता है, हमारा लेक्चर भी खत्म होने वाला है, 40 मिनट का हो चुका है पहले ही। तो अब हम छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने असल में पढ़ा क्या। हमने सबसे पहले पढ़ा है अपना इफ एल्स पढ़ चुके हैं हम, स्विच पढ़ चुके हैं हम, वही 5 स्टार होटल वाला, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं, फिर लॉजिकल एंड कंपाउंड असाइनमेंट में क्या होता है कि आई प्लस इक्वल टू अगर 10 लिख दोगे, अगर आप आई प्लस इक्वल टू 10 लिख दोगे यहाँ पे ये, तो माइनस इक्वल टू या प्लस इक्वल टू 10 लिख दोगे तो आपकी वो चीज़ 10 से या 10 से बढ़ जाएगी या 10 से कम हो जाएगी। टर्नरी ऑपरेटर भी आप सीख गए, टर्नरी ऑपरेटर मतलब वाई को एक वैल्यू दे दो, कैसे देनी है, अगर एक्स 9 से कम है तो 100 दे दो, नहीं तो 200 दे दो। सो सो गाइज हियर आर लेक्चर फिनिशेस एंड आई होप यू यू आर फॉलोइंग माई सी लैंग्वेज सीरीज। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो और कमेंट भी कर दो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।